हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की एक बहुत ही स्पेशल डिश जिसे हम कहते हैं दाबेली। ये बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आज की रेसिपी दाबेली। एक पैन में लीजिए तेल, थोड़ा ज़्यादा तेल लेना है और उसे गर्म होने दीजिए। साथ ही में हमने 5-6 आलू लिए हैं जो पहले से ही हमने उबाल के रखे हैं। अब दाबेली के मसाले के लिए हम लेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च और फिर हम उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर हम इस मसाले को पानी डाल के घोल लेंगे ताकि ये एक पेस्ट की तरह बन जाए। जब ये मसाला पूरी तरह से घुल जाए तो अब हम इसे गरम तेल में डालेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पानी भी डालूंगी इसी मसाले की कटोरी में ताकि सारा मसाला डल जाए और इसे हम थोड़ी देर तक पकने देंगे। आप इसे थोड़ा हिलाइए ताकि ये इवनली कुक हो। 1 से 2 मिनट हमें यहाँ पकाना है और इसे उबाल आने देना है। अब देखिए, अब ये उबल चुका है, अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें अपने उबले हुए आलू डालेंगे। क्योंकि मैंने इन्हें पहले से उबाल के रखा है तो थोड़े ये एक डो की तरह हो गए, तो मैंने क्रश करके इसमें डालूंगी। फिर हम इसे यहाँ थोड़ा मैश करते करते मसाले के साथ कम्प्लीटली मिक्स करेंगे। देखिए ऐसे मिक्स हो गए ये। हम इस आलू को धीमी आंच पर पकाएंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 roughly chopped onions। इसके लिए अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस प्याज को पकाना चाहते हैं या कच्ची ही रखना चाहते हैं। मैं इन्हें कच्ची रखूंगी, तो मैं यहाँ गैस बंद करके इन्हें आलू में मिक्स कर रही हूँ। आप इन्हें पका भी सकते हैं धीमी आँच पर। अब हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम फिर से एक पैन में थोड़ा ज़्यादा तेल लेंगे और अब इस तेल में हमने यहाँ डाला है रॉ पीनट्स, मतलब कच्ची मूंगफली। इस मूंगफली को हमें यहाँ फ्राई करना है, तो इसके लिए हम कच्ची मूंगफली ही लेंगे। जब तक तेल गर्म ना हो मूंगफलियों को इसमें मत डालिएगा। तेल गर्म होने के बाद ही आप इसमें मूंगफली डालिए और मूंगफली को अच्छे से इसमें फ्राई होने दीजिए जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे तेल में से निकाल के टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए ताकि एक्सेस ऑयल वो एब्जॉर्ब हो जाए। और जब मूंगफलियाँ गर्म हो तभी हमें उसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर डालना है ताकि इसमें मसाला पीनट बन जाए हमारे ये। देखिए, नमक और लाल मिर्च डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मसाला पीनट्स रेडी हैं। अब हम एडिशनल आइटम्स जो हमें चाहिए दाबेली के लिए, वो है 1 कटा अनार, मीठी सॉल्ट जिसकी मैं रेसिपी ऊपर लिंक में डाल रही हूँ, लहसुन की चटनी जिसकी रेसिपी आपको ऊपर मिल जाएगी, फिर नायलॉन सेव। तो चलिए अब दाबेली को असेंबल करते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ पाव भाजी बंस। आप चाहे तो बर्गर बंस भी ले सकते हैं, पर मैं पाव भाजी बंस प्रेफर करना चाहूँगी। इसमें मैं लगाऊंगी लहसुन की चटनी, थोड़े जेनरस अमाउंट लगाइएगा ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आए। और फिर मैं इसमें अपना आलू का मसाला लगाऊंगी। इसका भी आप अच्छे से लगाइएगा क्योंकि इसमें स्वाद आलू का ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसे अच्छे से इसमें स्टफ़ कर दीजिए, फिर उसके ऊपर आप लगाइएगा अपनी मीठी चटनी यानी कि मीठी सौंठ। याद रखिए, इसमें ये सब कुछ अच्छी अमाउंट में लगाएगा, नहीं तो फ्लेवर इतना उभर के नहीं आएगा। फिर इसमें आप अनार डाल दीजिए, ये भी अच्छे हाथ भर कर डालिए, हैंडफुल। पीनट्स भी लगा दीजिए। फिर इसमें आप इसको नायलॉन सेव से स्प्रिंकल कर दीजिए अच्छे से और हाथ से इसे दबा के बन के अंदर पैक कर दीजिए। अब हम इसे पकाएंगे और इसके लिए हम एक पैन में गुड अमाउंट ऑफ बटर लेंगे और इस मक्खन के अंदर हम अपने बन को अच्छे से सोक कर लेंगे। देखिए ऐसे मैं इसे चारों तरफ से घुमाकर इसमें बटर सोक कर लूँगी।
फिर जब बटर सोक हो जाए तो आप इसे गैस पे 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे सिकने दें, ताकि जो हमारा बन है वो थोड़ा सॉफ्ट एंड थोड़ा सा उसको प्रेस करके वो फ्लैट हो जाए। ऐसे हम इसको हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और ये देखिए अब हमारा दाबेली रेडी है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं स्नैक की तरह। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।